बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बना रहे आलू बैंगन। आप लोग को बताते कैसे बना रहे, क्या क्या ऐड कर रहे इसमें। देखिए, मैंने 1 किलो बैंगन लिया है। मैं इनको काट लूँगी ऐसे टुकड़ों में, ठीक है। और ये मैंने 6 आलू लिए, आलू भी काट लूँगी। 2-3 टमाटर है बड़े, जो मैंने इसको छोटे छोटे काट लिए। 3 प्याज है, वो भी मैंने काट लिया है छोटी छोटी। ये लहसुन है घर का, जो मैंने इसको काट लिया छोटा छोटा। और ये 7 मिर्चे हैं, ये मैंने इसको काट लिया टुकड़ों में। 3 टीस्पून भर का धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून भर कर कुटी मिर्ची और 1 टीस्पून भर कर पिसी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, जीरा सही। और ये गरम मसाला आधे से भी आधा टीस्पून छोटा वाला और आधा टीस्पून काली मिर्ची और 2 टीस्पून भर कर चिकन पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। नमक हम लोग तो इसके मुताबिक डालेंगे। देखिए, हमने 1 कप तेल लिया था, तेल हमारा गर्म हो गया। इसके बाद प्याज ऐड कर रहे हैं इसमें। हर प्याज जैसे वो हल्के से कलर बदली हो जाएगा, उसके बाद हम इन मसाले ऐड कर देंगे इसमें। देखिए, हमने आलू काट रहे हैं, ऐसे काटने आलू। वो आप लोग पर डिपेंड करता है, आप जैसे भी काट के बनाए। हमने बैंगन भी हम लोग को ऐसे ही काटने हैं टुकड़ों में, ठीक है। देखिए, हमारा प्याज हो गया। हम इसके बाद ये मिर्ची और लहसुन ऐड कर रहे हैं, दिखाया था आपको वाला। ये मसाले भी ऐड कर रहे हैं साथ में। इसके बाद हम टमाटर भी ऐड कर रहे हैं इसमें। हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टमाटर ना गल जाए। देखिए, मैंने बैंगन पहले इसको काट लिए थे और इसको पहला पानी इसका गिरा दिया, अब मैंने इसमें दूसरा पानी डाल दिया। इसका पानी बदली करने से इसलिए ये है कि कड़वे ना हो बैंगन। देखिए, इसके अंदर 1/2 कप पानी भी ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा है। देखिए, हमारा मसाला रेडी हो गया। उसके बाद हम आलू और बैंगन ऐड कर रहे हैं इसमें। हमने पूरे बैंगन और आलू ऐड कर दिए इसमें। इसको अच्छे से भूनेंगे, इसके अंदर हम पानी नहीं ऐड करेंगे। देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स करके मसाला सारा में वो करना है। उसके बाद हम लोग इसको चूल्हा पर करके इसको दम पे छोड़ देंगे। पहले आंच तेज रखें, बाद में कम कर देंगे इसकी आंच। ठीक है, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया पूरे। अभी हमने आज इसमें इसकी कमी रखनी है इसमें, ठीक है। देखिए, हमने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था 20 से
20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पे पकते रहेंगे। अभी हम इसको चेक करते हैं। मैंने 20 में इसको चला दिया था, अभी हम चेक कर रहे हैं बैंगन और आलू। देखिए आलू भी गल गए, हमारे बैंगन भी गल गए। माशाल्लाह हमारा सालन रेडी हो गया, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है सालन की। इसके बाद हम इसके ऊपर धनिया ऐड कर रहे हैं। बस अभी हमने इसका चूल्हा भी बंद कर दिया, अभी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हमने बनाया आलू बैंगन का सालन, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी ये वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलना, घंटी का बटन दबाना ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।